चैनल सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम क्लास 9 चैप्टर इज ट्रायंगल्स सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इफ द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द बेस प्रूव दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलस तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक ट्रायंगल आपको दे रखी है लेट्स टेक दिस इज अ ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में क्या है जो वर्टिकल एंगल है ये इसका जो बाइसेक्टर है ठीक है इस एंगल का जो बाइसेक्टर है बाइसेक्टर मीन्स दो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है वो जो लाइन सेगमेंट है ये जो लाइन सेगमेंट है ये क्या करती है ये इस एंगल का बाइसेक्टर है मीन्स इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है एंड दिस इज बाइसेक्टिंग द बेस ऑल्सो इट मीन्स ये पोर्शन जो है हमारा इस पोर्शन के बराबर है तो हमारे पास क्या गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी एंगल these two angles you can say angle 1 is equal to angle 2 and AD is bisecting base BC means BD and DC हमारे पास बराबर दे रखे हैं तो ये दो चीज़ें गिवन है और हमें प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलस है कि जिसकी दो साइड्स बराबर हैं ठीक है तो इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे तो सबसे पहले हम गिवन लिख देंगे लेट इन फिगर ट्राइंगल ABC is given triangle in which AD bisect angle A as well as side BC ठीक है तो एंगल 1 2 के बराबर है BD DC के बराबर है ये चीज़ें हमें दी हुई हैं और हमें प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलस ट्रायंगल है ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल तो हम क्या करेंगे हम एडी को एक्सटेंड कर देंगे आगे तक एई तक एक्सटेंड कर देंगे ताकि एडी एंड ए डीई आपस में बराबर हो जाएं और सीई को ज्वाइन कर देंगे तो ये चीज़ हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे एक्सटेंड AD to E such that AD is equal to DE ये हम एक्सटेंड कर देंगे इसको ठीक है अब हम प्रूफ करेंगे सो प्रूफ सबसे पहले हम ADB ट्रायंगल एंड EDC ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे ठीक है तो देखिए कैसे इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल EDC तो कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे तो देखिए AD इज इक्वल टू DE हमने कंस्ट्रक्शन करी है तो रीजन लिख दो बाय कंस्ट्रक्शन देन एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EDC देखिए ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे तो दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ठीक है तो उससे क्या होगा तीसरा पार्ट हमारे पास बचा BD इज इक्वल टू DC क्यों क्योंकि दिस इज गिवन कि AD बाइसेक्ट BC और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो देखियो बाय SAS साइड एंगल साइड दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ओके तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर बाय SAS ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EDC अब उससे हमें क्या मिलेगा देखना जरा सपोज दिस इज एंगल 3 तो हमें क्या मिला के एंगल देखो 1 जो है वो तो 3 के बराबर है CPCT से क्योंकि दो ट्रायंगल्स मैंने कॉन्ग्रुएंट करी हैं दिस एंड दिस तो एंगल 1 एंड 3 आर इक्वल बाय CPCT CPCT मींस कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उसके बाद उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बचते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं ऑटोमेटिकली ठीक है तो एंगल 1 3 के बराबर हो गया बट एंगल तो 1 तो 2 के बराबर गिवन है तो यहां से आपके पास क्या मिला यहां लिख लेते हैं यहाँ से आपके पास मिला 2 एंगल इज इक्वल टू 3 एंगल एंगल 2 इज इक्वल टू 3 मिला तो देखिए इस ट्रायंगल ACE में देखना जरा ACE में एंगल 2 और 3 बराबर है तो भाई उनके सामने की साइड्स भी बराबर होंगी वी नो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल तो एंगल 2 के सामने की साइड EC आ गई एंड एंगल 3 के सामने की साइड AC आ गई तो साइड्स आर इक्वल रीजन यहाँ देंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ये लिख लेना तो देखिए EC हमारी AC के बराबर आ चुकी है पर EC तो हमारी AB के बराबर भी है
क्यों है? क्योंकि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करी थी हमने, ये दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट करी थी तो ये साइड और ये साइड बराबर थी, ए बी और ई सी बाय सी बी सी टी। तो यहाँ से आपके पास मिला, देखो ई सी ए सी के बराबर भी है, ई सी ए बी के बराबर भी है, इट मीन्स ए सी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। और इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी देन दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ऐसे हम इसको प्रूव करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सो ऐसे ही अमेजिंग क्वेश्चंस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।